वैसे तो धरती का सबसे समझदार प्राणी इंसानों को कहा जाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में सबसे ज्यादा टक्कर देते हैं चिंपैंजी, बोले तो इंसानों के पूर्वज। विज्ञान कहती है कि चिंपैंजी के 98% जीन्स इंसानों से मिलते हैं, इसीलिए उनकी हरकतें इंसानों से काफी मिलती जुलती हैं, जिन्हें देखकर कई बार हंसी आती है तो कई बार हैरानी भी होती है, और कई बार तो ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आंखें नम कर देते हैं। कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2 में हम लाए हैं चिंपैंजी के कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप जान जाएंगे कि आखिर क्यों चिंपैंजी को इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिंपैंजी और गोरिल्ला का एक गुण इन्हें इंसानी प्रजाति के एकदम करीब ले आता है, और वो गुण है इमोशन, यानी एहसास। बॉस्टन के फ्रैंकलिन पार्क जू का ये वायरल वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, जिसमें एमेलिना ऑस्टिन नाम की एक महिला जब अपने 7 महीने के बच्चे को गोद में लेकर शीशे के उस पार बैठी कीकी नाम की एक मादा गोरिल्ला को दिखाती है, तो वो भी बच्चे को उस महिला की तरह दुलारने की कोशिश करती नजर आती है। एक बच्चे पर प्यार लुटाती इन दोनों माओं के मातृत्व वाला ये इमोशनल वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस तरह का एक और वीडियो कनाडा के चिड़ियाघर से भी वायरल हुआ था, जिसमें शीशे के उस पार ये मादा गोरिल्ला शीशे के इस पार खड़े लोगों को अपने प्यारे बच्चे को दिखाते हुए प्यार जता रही है। वो कभी अपने नन्हे मुन्ने को इंसानी माताओं की तरह गले लगा रही थी, तो कभी उसे प्यार से चूमते हुए दिख रही थी। एक जानवर माँ के मन में भी अपनी संतान को लेकर बिल्कुल इंसानों के जैसी ही प्यारी भावनाएं थी। इस खूबसूरत नजारे को देखकर वहां खड़ी महिलाओं के कमेंट्स सुनने लायक थे। अमेरिका के सेज़विक ज़ू में एक फीमेल चिंपैंजी ने बच्चे को जन्म दिया, मगर जन्म के समय उसे ऑक्सीजन लगानी पड़ी। कुछ दिन बाद जब उसे दोबारा बच्चे के पास ले जाया गया, तो देखिए उसने क्या किया। मादा चिंपैंजी, जिसका नाम महाले है, वो पिंजरे में आते ही सबसे पहले अपने बच्चे को निहारती है, और बाद में उसे प्यार से उठाकर अपने सीने से चिपका लेती है। इस खूबसूरत वीडियो में इस मादा चिंपैंजी की अपने बच्चे से मिलने की छटपटाहट और खुशी साफ देखी जा सकती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में जूलॉजिकल वाइल्डलाइफ फाउंडेशन में यह शख्स चिंपैंजी के इमोशंस का टेस्ट लेने के लिए उसके सामने रोने का नाटक करता है, जिसके बाद लिम्बानी नाम का यह चिंपैंजी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। इस कड़ी में उसे इस आदमी की पीठ पर चढ़ते हुए, कंधे को थपथपाते हुए और उसे चुप कराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद भी जब ये शख्स चुप नहीं होता, तो चिंपैंजी उसके सामने आकर उसे गले लगा लेता है और इंसानों की तरह हिम्मत बंधाते नजर आता है। पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है, ये चिंपैंजी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो ये एप्पल को मिल बांटकर खाने में विश्वास रखता है। इस वीडियो में ये चिंपैंजी एक बाइट खुद खा रहा है, तो दूसरी बाइट इसके पास बैठे हुए कछुए को खिला रहा है। सेव को शेयर करने का ये सिलसिला चिंपैंजी द्वारा कई बार दोहराया जाता है। वीडियो के अंत में दो दोस्तों के बगल में बैठा एक और चिंपैंजी कछुआ को निहारता दिखाई दे रहा है। इस चिंपैंजी से कुछ सीखो। देखिए किस तरह से ये चिंपैंजी अपने साथी को गले मिल रहा है। इनकी खुशी देखकर लग रहा है मानो लॉकडाउन के लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। इनका ये भरत मिलाप देखकर क्या कोई कह सकता है कि इनके मिलने का तरीका इंसानों से अलग है। वैसे इंसानों से भी ये चिंपैंजी उतना ही प्यार करते हैं। देखो तो कैसे अपने केयर टेकर्स को देखते ही दौड़कर गले लग जाता है। देख रहे हो ना विनोद, चिंपैंजी लोगों का प्यार कितना प्योर है। कोलंबिया के एक जू के इस वीडियो में बारिश में अपने बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए, यही सोचकर उसे गोद में उठाए ये चिंपैंजी पहले तो शेड के नीचे बैठ जाते हैं, फिर उनमें से एक समझदार चिंपैंजी उठकर झांकता है कि बारिश बंद हुई कि नहीं। फिर भी जब बारिश बंद नहीं होती, तो ये बड़ी सावधानी से खुद को भीगने से बचाते हुए
दीवार के सहारे ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई जानवर ना होकर इंसान ही हो। वैसे नकल करने के मामले में ये जानवर पीछे नहीं है। जरा इनकी हरकतें तो नोटिस कीजिए। ये गोरिल्ला पानी के ऊपर इस टहनी पर बड़े मजे से बैठा है। जब नाव में बैठे जू के इस वर्कर ने इसकी तरफ पानी उछाला तो ये महाशय भी उसकी देखा देखी पानी उछालने लगे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ पानी फेंकने का कॉम्पिटिशन मचा दिया। देखना ये पुष्पा नहीं झुकने वाला। इसी तरह इस वीडियो में शीशे के उस पार बैठा ये चिंपैंजी ठीक वैसा ही कर रहा है जैसे शीशे के इस पार के लोग कर रहे हैं। जब लोग इस शीशे को नॉक करते हैं तो ये गोरिल्ला भी हूबहू उनकी ही स्टाइल में शीशे को बजाता है। जिसने भी इस प्यारे से वीडियो को देखा वो देखता ही रह गया। ठीक ऐसे ही यहाँ भी शीशे की एक चार दीवारी में दो नकलची चिंपैंजी इस लड़की की हूबहू नकल उतार रहे हैं। ये वीडियो देखकर यकीनन आप भी हंस पड़ेंगे। इसी तरह ये महाशय अपनी ट्रेनर की नकल उतारते हुए शीर्षासन करते दिखाई दे रहे हैं। उसके हूबहू ऐसा करने पर ट्रेनर खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ खाने के लिए दे देती है। वैसे असली एक्सरसाइज तो अभी देखना बाकी है मेरे दोस्त। कोई इंसान का बच्चा इस चिंपैंजी को पुल अप पुश अप में टक्कर देकर बताए तो जाने। और जब ये लड़की इस चिंपैंजी को चिढ़ाने की कोशिश करती है तो ये चालाक चिंपैंजी उसकी इन हरकतों पर ताली बजाकर ऐसा रिएक्शन देता है कि देखने वाले सब लोगों की हंसी छूट जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। वैसे जब ये जानवर शैतानी पर उतर आते हैं तो चुपचाप बैठी पॉर्क्यूपाइन को भी छेड़ने से गुरेज नहीं करते। ये और बात है कि इनको भागना पड़ता है। इसी तरह कई बार ये लोग बिल्कुल इंसानों की तरह ही झगड़ने भी लगते हैं। ये वीडियो देखकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। वैसे इनको परेशान करने वाले लोगों को भी ये जानवर बख्शता नहीं है। जरा सोचिए इस बंदे की क्या हालत हो रही होगी जो खुद को चिंपैंजी की ग्रिप से छुड़ाने की लाख कोशिशें करता है लेकिन वो इसके पैर को इस निंजा टेक्निक से पकड़ लेता है कि छुड़ाना इसके बस की बात नहीं रही। इतना ही नहीं, चिंपैंजी हर वो काम कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। ये ढोल बजा सकते हैं, ये शानदार जानदार सोलो डांस कर सकते हैं। कुछ चिंपैंजी तो इतने सफाई पसंद होते हैं कि वो अपने हाथ पांव और चेहरा साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाते हैं। वहीं ये इंसानों की तरह ख्यालों में भी खो जाते हैं। चिंपैंजी आपकी गाड़ी से लेकर बर्तन कपड़े तक धो सकते हैं। और जब ये इंसानों की नकल करने पर उतर जाते हैं तो कहना ही क्या, आप खुद ही देख लीजिए। कोई पागल ही होगा जो लड़कियों के साथ फोटो सेशन का मौका मिस करना चाहेगा। इस चिंपैंजी ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अपने पास इस ब्यूटी गर्ल को देखकर ये चिंपैंजी तरह तरह के पोज देकर फोटो खिंचवाने लगा। वैसे नखरे तो इस लेडी चिंपैंजी के कम नहीं है। देखिए तो जरा कैसे सज धज कर इतरा रही है। वैसे तो डांस और म्यूजिक इंसानों की हॉबी है लेकिन कुछ चिंपैंजी भी ये शौक रखते हैं। देखिए तो कैसे ये चिंपैंजी खुश होकर इस तबले को बजाने में बिजी है। डांस तो ऐसे कर रहा है जैसे इससे बड़ा माइकल जैक्सन कोई नहीं। जू में डांस का मूड बनने पर ये गोल गोल घूमकर इतराते हुए विजिटर्स की खूब वाह वाह लूटता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चिंपैंजी कंप्यूटर में दिख रहे अंकों को आसानी से समझ लेता है। आमतौर पर गोरिल्ला 35 से 40 साल तक ही जीवित रह पाते हैं लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बर्लिन जू में हाल ही दुनिया की सबसे बूढ़ी गोरिल्ला फतो ने अपना 65वां जन्मदिन मनाया था। तब चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसके लिए चावल पनीर सब्जी और फलों से बना केक बनाकर उसका दिन खास बना दिया। तो दोस्तों अब तो आप मान ही गए होंगे कि ये चिंपैंजी ही हम इंसानों के इन सिस्टर्स थे।
आपको चिंपैंजी लोगों का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।